हालात ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल के नाज़रीन को आदाब। आज हम ड्रामे की दुनिया के दो नस्लों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। अकील काजी बहुत ही बेहतरीन ड्रामा आर्टिस्ट हैं और सादिक अंसारी साहब ड्रामा राइटर डायरेक्टर हैं, उनकी किताब भी शाये हो चुकी है। अकील काजी साहब, आप ये बताइए कि आपके दौर के जो ड्रामे हुआ करते थे उनमें और आज के ड्रामों में क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। पहले ऐसा होता था, हम लोगों को पहले स्क्रिप्ट लिख के दी जाती थी, अपना 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 पार्ट लिख के दिया जाता था, उसको पहले याद करना पड़ता था, फिर उसके बाद हमको। आज की दुनिया में वो बात नहीं है, समझे? और दूसरा, डायरेक्टर को बहुत कम मिलते थे, उर्दू में बहुत कम प्रोग्राम होते, और ड्रामे शाज और नादिर कभी हुए भिवंडी में तो होते थे, नहीं तो नहीं, कभी स्कूल में हुए, कभी ये हुआ, और उसके सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन आज हर जगह पे ड्रामे के ये अपने अदारे खुले हुए हैं, बड़े बड़े ड्रामे होते हैं। और इस दूसरा हालात में लोग ड्रामे करते हैं, पहले ये बात नहीं। पहले हमको सजा पुराने लोगों के आगा से कश्मीरी से लेकर ड्रामे शुरू करना पड़ते थे, फिर उसमें बीच में हमारे बीच में कादर खान साहब आए, इन्होंने जो ड्रामा लिखना शुरू किया, पहले उन्होंने ट्रांसलेशन पे दूसरे गुजराती ड्रामे के ट्रांसलेशन किए, फिर उन्होंने खुद का लिखना शुरू किया, और फिर इसके बाद उर्दू में ड्रामे की एक तहजीब बड़ी एक एक इर्तका पड़ा। तो उस वक्त के ड्रामों में जो आर्टिस्ट काम करते थे तो ख्वातीन भी आपके साथ काम करती थी? बहुत मुश्किल। बम्बई में होता था, भिवंडी में खास कर नहीं होता। भिवंडी में लड़की का पार्ट मैंने खुद ने किया हूँ, मैंने एक लड़की का पार्ट समझे। और इसके बाद बहुत यहाँ तक कि मैंने कॉलेज में डायरेक्शन को जाता था, वहाँ पे दो एक मतलब मामला, कोई बच्ची को कोई करने देने तैयार नहीं आर्टिस्ट को किसी, तो फिर मेरे को लड़कों को लेकर लड़की बनाना पड़े और फिर उसको ये करना। तो कादर खान साहब से मतलब डायरेक्शन आपने सीखी? मैंने उस्तादों में उस्ताद है। आज मेरा सब में अगर मेरी पहचान है अगर भिवंडी में, तो वो कैसी पहचान है? बोले वकील काजी जो कादर खान के साथ काम करता था, मेरे नाम से कोई मुझको नहीं पहचानता, कादर के नाम से मुझको पहचान। तो उनका आपके साथ ताउन रवैया सबके साथ बहुत अच्छा हर चीज़ में। हम लोगों के ड्रामे के वक्त जब इंटर कॉलेज ड्रामे हुआ करते थे भारतीय बौद्ध भवन में, तो हमारे हर डिपार्टमेंट में हमको सब कुछ चीट अपने मेडिस को चिट्ठियाँ लिख के दिए जाती थी कि इनको रिहर्सल के लिए भेज दो। तो फिर एक एक डेढ़ डेढ़ महीना हमारी रिहर्सल चलती थी, सुबह से हम लोग रिहर्सल करते थे, और फिर 11:30 बजे वो मुझको इसलिए छोड़ा जाता था कि मेरे को भिवंडी आना पड़ता था। भिवंडी से डेली अप डाउन करके मैं रात में 10 बजे तक उनके साथ काम करता था और फिर गाता, और सुबह 10 बजे फिर आ गए। उस दौर में सफ़र भी मुश्किल था, बहुत मुश्किल सफ़र। आपको ड्रामे के ताल्लुक से कुछ मुआवजा वगैरह या कुछ मेहनताना वगैरह? नहीं, मैंने खुद ने मेरा पैसा लगाया है। मैंने ये शौक है, इसको कुछ नहीं कर, मेरे बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने किसी से दुश्मनी निकालना है तो उसको ड्रामे में डाल दो, समझा? हाँ, उसका उनका ये कॉल था, बोले फिर तुमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, वो आप ही आप उधर लग जाएगा, वो धंधे से भी निकल जाएगा, उसका खाली स्टेज दिखेगा उसको, ये हिसाब है। तो इसका मतलब ये है हाँ। कि ड्रामा की फिल्म से मना किया जाता था उसको? बिल्कुल। तो वो मना करना उनका जायज़ था, ठीक था? आज क्या महसूस होता है? वो आज के दौर में वो चीज़ है ना, आज की सहूलियतें बहुत हैं, माहौल बदल गया है। तुमको तुम्हारे हाथ में टेप दिया जाता है, तुमको उसमें ये रिकॉर्डिंग की जाती है डायलॉग की, और तुमको बोलते आते आते पर्स जा जाओ और स्टेज पे खड़े हो जाओ। आज पहले वो नहीं था, पहले स्क्रिप्ट बहुत बहुत सहूलतें, माइक का हिसाब हम लोगों को जोर से चिल्लाना पड़ता था, यहाँ तक कि पूरे से कान पे रख के दूर पे खड़े रहते कान साहब और बोलते थे अब बोलो, आवाज़ बराबर आती है कि नहीं, जब उसको बराबर आवाज़ आती थी जब वो एक्सेप्ट करता था कि नहीं अब बराबर है, समझे? अब तो बड़ी आसानियाँ, एक साउंड ज़रा सा स्टील करो तो एंड तक आवाज़ चली जाती है। तो कोई ऐसा वाक्य कि आपने एक्टिंग की हो किसी ड्रामे में और आपको प्राइज मिल गया और अच्छा ऑडियंस की तरफ से रिस्पॉन्स मिला, ऐसे कि ड्रामे रिस्पॉन्स तो बहुत मिला,
रिस्पॉन्स तो बहुत मिला समझे। और एक मतलब मेरा ख्याल है 1962 में मैंने बम्बई में मेरे साथ जितने आर्टिस्ट काम करते थे सब इंजीनियर वगैरह थे सब निकल थे, तो मेरे को मैंने उस जमाने उस एनुअल डे पे साबू सिद्दीक के 4 प्ले में काम किया था और एक में अपने इसमें काम किया था, 4 प्ले में काम किया था, एक अपने तुम्हारे फैंसी ड्रेस में काम किया था और एक इंग्लिश प्ले में काम किया था। 3 प्ले हिंदी के थे, दो हिंदी के थे और एक इंग्लिश था और एक ये था। आईने तो आज जो डिफरेंसेस आपको महसूस हो रहे हैं, तो ड्रामा अब प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की लॉट ऑफ तरक्की है समझा, लॉट ऑफ तरक्की है। पहले ये बात नहीं थी, पहले लाइट इफेक्ट कहाँ से देखते थे, खाली लाल चाहती है बल्ब पे लाल ये लगाते थे, ब्लू ये लगाते थे, कलर आ जाते, बाकी और कुछ नहीं। अभी बड़े बड़े डिमर्स निकले हैं, बड़े बड़े ये निकले समझे। एक सारी भाई, ये काजी साहब ने अपने दौर की बातें बताई, आप आज के दौर में जो तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं और पुराने वक्तों से इसको जब रिलेट करके आप देखते हैं तो क्या महसूस होता है, क्योंकि ड्रामा की फील्ड में जो मतलब तरक्की हो रही है तो ये तरक्की पॉजिटिवली जा रही है, मजबूत तरीके पे जा रही है, और फिल्म और ड्रामे में जो डिफरेंस था पहले, क्या आप ऐसे ऐसा लगता है कि वो ड्रामा और फिल्म एक ही तरह से एक मैच पर जा रहे हैं, कि भाई ड्रामा आर्टिस्ट जो है वो फिल्म में पहुंच जाता है और वो इस तरह के रास्ते खुल रहे हैं उनके लिए, क्या महसूस करते हैं? पहले से आज की लग काफ़ी तरक्की हुई है, स्टेज का डेवलपमेंट हुआ है, ड्रामा की दुनिया में डेवलपमेंट है, काफ़ी डेवलपमेंट है, बहुत से आर्टिस्ट ड्रामे के लिए फिल्मों में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रामों में स्टेज में इतनी कमाई पैसे नहीं मिलते, प्रोफेशनली नहीं होता, कम से कम उर्दू थिएटर की जाकर बात है, कहीं यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है हमारे यहाँ। आज भी हम लोग मुफ्त पासेस देते हैं तो लोग आते हैं, खरीद कर कोई नहीं आता, तो ये उर्दू ड्रामे इसने पे कैसे करें आर्टिस्ट को, तो वो ये चीज़ आज भी खाली है फील्ड, आज उर्दू वाले आज भी पीछे इस मामले में, बाकी स्क्रिप्ट हो एक्टिंग हो तमाम जो लवाजमान हो ठीक है, बहुत अच्छा है, उर्दू स्टेज में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन प्रोफेशनली नहीं हुआ है। आज भी यहाँ पर किल्लत इस तरह की अर्निंग नहीं होती यहाँ पर ड्रामे से, अगर आज आप इसको करियर बनाना चाहें तो मुश्किल आपके साथ, आप इसको करियर नहीं बना सकते, बस जो शौकिया हम लोग जो पहले करते थे, हमारे से पहले नस्ल जाकर भाई कि हम लोग को शौकिया करते, हम लोगों ने भी अपने 37 साल स्टेज पर शौकिया ही लगाए और आज भी वही, आज ना भी ऐसा कोई नज़र नहीं आता कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आए कम, और भेवंडी के लेवल पर भी बहुत, बॉम्बे में कुछ है मुजिब खान वगैरह लगे हैं, वो तो लोग मुसलसल काम कर रहे हैं, हर रोज़ काम हो रहा है वहाँ पर, तो उनके यहाँ थोड़े से मौाक़े पैदा हो रहे हैं अब, लेकिन वो भी खातिर ख्वा नहीं, अभी वहाँ भी ज़रूरत है और लोगों के उर्दू ऑडियंस जैसे अखबार को ख़रीद करने लेता, आज उर्दू अखबार वक्त अपने ख़रीदार को तरसते रहते हैं, वैसे ही वहाँ उर्दू थिएटर ऑडियंस को तरसता रहता, तो ये डेवलपमेंट अधूरा है, आज भी अधूरा है और होना चाहिए ऑडियंस की तरफ से, आर्टिस्ट तो तरक्की कर रहे हैं, मतलब अच्छी स्क्रिप्ट आ रही है, अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, ये साइड से डेवलपमेंट हो रहा है, मगर ऑडियंस की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि प्ले कमज़ोर है, बेहतरीन सब्जेक्ट हम लोग हर बार नए मौजू पे लिखते हैं, हर बार बेहतरीन सब्जेक्ट होता है हमारा और भी जो लोग आ रहे नए लोग, लेकिन ऑडियंस की तरफ से हम लोग थोड़ा आज भी मायूस हैं। सदी भाई, मैंने देखा कि मराठी ऑडियंस जो है, मराठी थिएटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस भी बहुत तरक्की है, और उनके आवाम जो है वो बहुत पसंद करते हैं उनके जो ड्रामो को, गुजराती और मराठी, तो वो क्या वजह है कि भाई मुसलमानों में ड्रामे से दूरी और मराठियों में उससे कुर्बत, क्या कोई वजह है, क्या रीज़न है, ऐसा क्या है? ये पहले ड्रामा की नकारी बताते बुजुर्ग कहते हैं कि ममनू है हमारे दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, जबकि फिर जब थोड़ा थोड़ा एडवांस कुछ एजुकेशन बढ़ी है, आसरी तालीम जब थोड़ी आम हुई, उस वक्त भी लोग ड्रामे की तरफ रागे हुए, आगाश कश्मीरी उससे पहले तो भांड कह लेते थे, तो कोई भी आज भी कोई लड़के पर भांड कोई कहलाना पसंद नहीं करेगा,
तो जो आज तक जो लेबल लगा हुआ है पुराना, वो मुकम्मल तौर से हटा नहीं है। आज भी बच्चे घरों में आज भी ड्रामा करेगा, क्या रखा है ड्रामा में, कोई दूसरा सवाल ये, पहले तो ड्रामा करेगा इस अपने काम को। लेकिन जब वो देखने आते हैं कि आज जो मौजूदात उठाए जा रहे हैं स्टेज, वो मौजूदात सुन के जो फिल्मों में नहीं आते मौजूद, वो ड्रामों को उठाए जाते हैं, ड्रामों के जरिए उठाए जाते हैं मौजूद, तो उस पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। लेकिन वही है कि ड्रामा आज जो मायूस समझा जा रहा है, पूरी हद तक हम लोग आज़ादी नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम महदूद इसमें करते हैं पैमाने पर, इसको ख़राब न लग जाए, उसको ख़राब न लग जाए, वो क्या बोले, वो क्या बोलेगा, आज भी बहुत कुछ ऐसा है। इसलिए ड्रामे उर्दू के जो है थोड़ा सा पीछे हैं, इसी वजह से आर्टिस्ट मतलब आगे नहीं आ पाते हैं, आर्टिस्ट मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ऐसा भी है क्या? हाँ, ये भी बात है। हाँ, और फिर हमारे जनरेशन का, हमारे शहर का जो हाल है, वो तो जब से मोबाइल आ गया तो और ज़्यादा हम लोग आर्टिस्ट मिलना मुश्किल हो गया। आर्टिस्ट हम लोग अपनी तरफ से टिकटॉक क्या क्या बना बना कर भेज देते हैं, वो अपना जो सलाहियत है वो ख़त्म कर लें, स्क्रिप्ट राइटिंग का, स्टोरी राइटिंग का, स्क्रीन प्ले का एक शोभा ही है, बाकायदा उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो आप उस ताल्लुक से क्या बताएंगे कि वो एक अच्छी फील्ड है आज के दिन? बहुत अच्छी फील्ड है आज की। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या एज अ राइटिंग डिपार्टमेंट उर्दू वालों का आज भी बहुत क्रेज, चाहे स्टेज पर चाहे फिल्मों में हो सीरियल्स में, आज उनका डिमांड है। अगर उन्हें मालूम पड़ता है कि उर्दू से वाबस्ता है, उर्दू ज़बान जानता है, उर्दू लिखता है, तो उसके लिए वाकई वहाँ कुछ चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस। तो वो उर्दू की मकबूलियत उसके लहजे का की मिठास और तलफ़ुज़ वगैरह की अदायगी में जो गैर मुस्लिमों को या एक्टर्स को प्रॉब्लम आते हैं, तो उर्दू जानने वाला ही उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर वो अच्छी अच्छी राइटिंग है उसकी, अच्छे मजबूत निगारी, अच्छा नसल लिख सकता है, हाँ, तो उसके लिए मौके, उसके लिए मौके, बहुत ज़्यादा मौके। पहले उसके लिए दूसरी बात ये, बाकायदा जितने फिल्में हिरोइन वगैरह नहीं तो हैं, उर्दू सीखने के लिए बाकायदा अपने लोगों को बुलाते हैं, उनसे सिखाता अपने यहाँ के कई बच्चों ने उर्दू सिखाया है, बड़े बड़े आर्टिस्टों को, इमाम वाली को किसी बच्चे ने सिखाया, किसी ने, और मैंने आज भी लोगों को उर्दू की ज़रूरत है। मोमिन खान ने लिखा है, मोमिन खान ने लिखा है, और वो अपना प्रयास वो जाता था बेउंडी से प्रयास, हाँ भैया, मुझे खुद जाके ढूंढा है, बड़े बड़े आर्टिस्टों को उर्दू सिखाया। सदी भाई, ये भिवंडी से आपके ड्रामों में काम करने वाले बच्चों ने प्रोग्रेस किया और आगे फिल्म इंडस्ट्री में या सीरियल में कोई पहुंचा है? सीरियल में इसका बच्चा बहुत बड़ा नाम असगर मोमिन सीरियल आ रहा है जी टीवी पर, तुझसे है रब्ता, उसमें मुसलसल आज एक महीने का कहा तो उनके एक महीने के लिए आपको रोल देंगे, आज 3 महीने से ज़्यादा हो गया मुसलसल उसमें आ रहा है बच्चा, हाँ मुसलसल 3 महीने से ज़्यादा, बड़ी कामयाबी अपने शहर के लिए मुसलसल, हाँ कर रहा, और आगे भी उसके दूसरे सीरियल से में भी बातचीत चल रही है, वहाँ भी इंशाल्लाह उसका हो जाएगा, और आज भी यहाँ पे देख हम कोशिश कर रहे हैं, बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं जाने की, दूसरे लोग भी हैं। हमने खुद आज एक नया मीडियम आया है, वेब सीरीज और यूट्यूब शॉर्ट फिल्में, हम लोग भी उसमें आप शुरू करने जा रहे हैं वो जल्दी इंशाल्लाह, वो भी इसको आप उसे भी देख सकेंगे, भिवंडी के बहुत से लोग अपना टैलेंट भिवंडी वाले वहाँ भी दिखा सकते हैं अच्छे पैमाने पर, अच्छे तरीके से, बाकायदा बेहतरीन स्क्रिप्ट होगी उसमें, लोग जो और ऐसे ही करते हैं वैसे नहीं होगा इंशाल्लाह, बड़े प्लानिंग के साथ हम लोग प्लान मनसूबे सारी चल रही है हमारी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों भिवंडी वालों को देखने मिलेगा। और हमसे ज़्यादा ना मालेगांव वाले बड़े अच्छे हैं, तो बाकायदा हम उनकी खुद की पिक्चरें बना के और रिलीज करते हैं, और उनके उनके ऊपर अपने उर्दू जबान में भी उनके अंदाम होते हैं, उर्दू जबान में भी उनके वाकायदे किए हैं, और अच्छा स्टेज है उनके पास, अच्छे ऑडियंस है उनके पास। स्क्रिप्ट राइटिंग के सिलसिले में हमने ऐसा सुना कि आपको कुछ ऑफर फिल्म इंडस्ट्री वगैरह से भी आया हुआ है, वैसा कुछ है क्या? हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द।
तो शॉर्ट फिल्म तो लिख के भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह एक बड़ा ऑफर है वो अभी मैं जाहिर भी करूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द, जब बात आगे बढ़ जाएगी काम शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ कभी मैं खुद सुनाऊंगा आपके मीडिया हालात न्यूज़ पोर्टल के जरिए से वो खबर इंशाल्लाह आएगी। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, कि हमारे शहर का एक लड़का अफजल मोमिन वो सीरियल में बाकायदा 3 महीने से उसके एपिसोड चल रहे हैं और आपको भी ऑफर आ रहे हैं। तो ये जो ड्रामे से बच्चे फिल्मों की तरफ या सीरियल की तरफ जा रहे हैं या ड्रामा राइटर जो है वो उसको स्क्रिप्ट राइटिंग का मौका मिल रहा है, तो ये ड्रामा फ़ायदेमंद साबित होता है एक स्टेज बहुत ज़्यादा टैलेंट को 100% बहुत ज़्यादा टैलेंट उजागर होते हैं। आज के इनको देखो ना नसरुद्दीन शाह स्टेज से आया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शबाना आज़म, फारूक शेख स्टेज के, तो ऐसे से कई बड़े नाम के सब इकता के। और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है वहाँ पर कि आजकल डेली सीरियल्स की ज़्यादा बात है, डेली सूप होते हैं, डेली एपिसोड आते हैं, तो उसमें इक्विपमेंट वगैरह रोज़ के किराए पर आ जाता है रोज़ के हिसाब से। अगर कोई नया आर्टिस्ट आता है या फिर जो स्टेज से वाबस्ता नहीं है वो रिटेक बहुत होता है, लेकिन स्टेज पे क्या हुआ काम जो आदमी आर्टिस्ट है वो रिटेक नहीं देता, बहुत जल्दी सीन समझ जाता है, बहुत आसानी से समझ जाता है और आसानी से कर लेता है, एक ही टेक में हो जाता है, तो वो उनका वक्त बचता है, एनर्जी बचती है, पैसा बचता है, तो इसलिए रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट स्टेज आर्टिस्ट के। सदीक भाई इसके लिए कुछ वर्कशॉप होते हैं कुछ इस तरह का होता है कि भाई बच्चों की ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप वगैरह का होता है? वर्कशॉप भी होता है, मुझे भाई खुद कर रहे हैं, नभु कुमार राजू साहब एक जो भंडी आए थे वहाँ वो भी करते हैं, उनका हर महीने में एक दो वर्कशॉप होता है, मुझे खान का भी हमेशा चलता रहता है वर्कशॉप, वो लोग उसकी फीस लेते हैं ज़्यादा, एक अच्छी भारी भरकम फीस भी होती है, सस्ते में अलग अलग होता है दिन के हिसाब से, कोई महीने का 2 महीने का चलता है, कोई 5 दिन का चलता है, हफ्ते भर का चलता है, लेकिन हम यहाँ पे उसको फ्री में कर, हम भिवंडी में उसको वर्कशॉप को फ्री में कर। और इस ताल्लुक से कुछ और बातें जो आवाम तक या हमारे आर्टिस्टों को हिदायत के तौर पे नसीहत के तौर पे क्या होना चाहिए, अभी आपने कहा कि नया मीडिया सोशल मीडिया पे टिकटॉक या इस तरह की और चीज़ें आ गई हैं, तो उसमें अपना टैलेंट बर्बाद करने के बजाय एक पर्टिकुलर सिक्वेंस से एक रास्ते से चल के जाना चाहिए, क्या आप नसीहत करें? बिल्कुल आए आप, हमारा ऑफर है, आप आए हमारे पास, और जैसे ड्रामे ग्रुप कई हैं आपके, पहले आप ड्रामा करें, ड्रामे पे आप सीख लें उतार चढ़ाव आधारित के डायलॉग्स के, आवाज़ कैसे उतार चढ़ाव कहाँ पैदा होती है, कैसे होता है आवाज़, कैसे उतार चढ़ाव करती की जाती है, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें यहाँ सिखाई, खड़े रहेगा कैसे, कैसे खड़े रह सकते हैं स्टेज पर, कैसा खड़े कैमरा पे कैसे फेस करें, स्टेज को कैसे ऑडियंस को कैसे फेस करें, सब अलग अलग टेक्निक है दोनों, वो दोनों सीखे बगैर आप नहीं कर सकते, आप जब सीखोगे उसमें आप निखार आएगा, ये एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हाँ तो ये आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ पर, और इसके थ्रू से आप अगर सीख कर करेंगे और ये एक पर्टिकुलर चैनल से जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा आगे, इसको आप करियर भी बना सकेंगे, ये टिकटॉक पे एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है आप स्टेज पर आएँ, यहाँ पर एक पैगाम भेजें आप ऑडियंस को, अपनी पहले आप शनाख्त बनाएं अच्छे से, और फिर उसके बाद आपको आपकी वहाँ पर कीमत मिलेगी, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे यहाँ ट्राई आप पूरी तैयारी से जाओगे उसकी कीमत मिलेगी आपको, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसके फंडामेंटल्स कुछ हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, वो सब सीखना बहुत ज़रूरी है कि भाई एक स्टेज पर किस तरह से काम करना चाहिए, कौन कौन सी उसकी कंडीशन है, वो सब जानना बहुत ज़रूरी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, अब वो ड्रामे के रिहर्सल से ही सब सीख जाता है, रिहर्सल पर ही सब होता है। बड़ी बात ये रहती है कि पहले हमारे इसमें यह था कि ऑडियंस को पीठ मत दिखा, आज वो बात नहीं है, आज बोलते तुम घूम के भी बोल सकते हो, तो उस जमाने में हम कभी पीठ दिखाने नहीं, आज चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है, आज एक्सप्रेशन अगर एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, समझे पंचेज हैं, ये बड़ी अच्छी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँ, पंचेज हैं, हाँ पीठ दिखाना मायूस था, मतलब डायरेक्टर शोर में चिल्लाने लगता था, गाली तक दे देता था, आज ऐसा नहीं, अगर आज ज़रूरत है कि इसको हम बैक कर सकते हैं, खूबसूरत सीन बनाना है, अगर उसके आगे दो आर्टिस्ट उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऑडियंस को दिख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, उसका रिएक्शन कैसा इनके फेस से आ रहा है, ये आज हम लोग पेशे नज़र रख रहे हैं, तो इसलिए आज पुश दिखाना आज मालूम नहीं है। सदीक भाई एक और बात है कि कल्चरल प्रोग्राम जो स्कूलों में कॉलेजों में होते हैं, तो इनसे भी कुछ आर्टिस्ट आते हैं मैदान में, यहाँ के बच्चे, ये एक जरिया बना हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जरिया बना हुआ है और आना चाहिए स्कूल में, स्कूलों से भिवंडी के स्कूलों का रिस्पॉन्स आपको किस तरह से मिलता है, आपको बहुत अच्छा अच्छे, अगर कहाँ होता है प्ले वहाँ बच्चे पेरेंट्स देखने आते हैं,
वो पेरेंट्स जो ड्रामा देखे होते हैं, अपने बच्चों को देखे होते हैं, उन लोग हमारे से बड़ा चाहता है, मतलब अपने बच्चों को आगे भेजना चाहते हैं। और जो ड्रामा देखते ही नहीं अपने बच्चों, वो भी वो मना कर देंगे, ड्रामा ड्रामे में जाना नहीं, लेकिन जो देखा है जिसने वो समझता है। और आज एक जो सबसे बड़ी बात अजीब सा लगता है वो कि हर आदमी अपने बच्चों को टीवी में देखना चाहता है, फिल्मों में देखना चाहता है, डायरेक्ट देखना चाहता है, डायरेक्ट वहाँ जाना चाहता है, फिर उसके जो दूसरी तरफ जो चैनल है उसका प्रॉपर उसे जाना चाहिए, यहाँ सीखे बगैर जो दो तीन तीन साल के बच्चों को लेकर आते हैं कि इसका हम उसको टीवी पर भेजना चाहते हैं, फिल्में देखना चाहते हैं, चार साल का बच्चा उसको दो दो तीन तीन लाइन की स्किप उन्हें लिख के दो, आप लिख के देना उसको, ही हमारी टीचर उसको रात भर याद कराती है। और हमने से कहा कि हमारे यहाँ आपको फ्री सीखने में, आप जहाँ भेज रहे हो, जहाँ पे भेजना चाहते हो बच्चे को, वहाँ आपसे पैसे का तकाजा करें, वो नहीं मानता, तो एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। और वही हुआ, वहाँ जाके उसको एक डिमांड किया गया पैसों का, वापस लौट कर आया। मजमूई तौर पर ड्रामा जो है वो पिछले 40-50 वर्षों में ड्रामा स्टेज से निकलकर अब फिल्मों की तरफ जो एक रुझान बन रहा है, और आर्टिस्टों को स्कोप भी मिल रहा है, ड्रामा राइटर्स को भी स्क्रीन प्ले और डायलॉग और इस तरह के मौके मिल रहे हैं, तो ये प्रोग्रेस हो रहा है। साथ ही में जो लवाजमात हैं ड्रामे के उनमें भी प्रोग्रेस हो रहा है, लाइट इफेक्ट्स है, साउंड इफेक्ट है, तो अब ड्रामा पिछले मतलब जो अहद गुजरा है उसके मुकाबले में बहुत अच्छे ढंग से आप लोग स्टेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। पहले हाँ, पहले जो मुश्किलात थी, जैसे मैं ही अगर मैं बात करूँ, पहले तो मैं साल दो साल में तीन साल में एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, अब एक एक साल में तीन तीन चार चार स्क्रिप्ट एक वक्त में लिखनी पड़ती है, इतना डिमांड तो बढ़ा है पहले से ज़्यादा अब हो रहे हैं। एक अगर मैं 15 प्ले लिखने में कहीं 15-20 साल चले गए, तो बाकी जो दूसरे प्ले आज 64वां प्ले मेरे ज़रिए तहरीर है, वो तो मैंने दो तीन साल में 20-25 ड्रामे लिखे। ड्रामे का मजमू का एक और नया इतिहास, इसका इजरा हो गया और पजीराई हुई, और इस मतलब आपके ड्रामों को किसी और ने डायरेक्ट किया और ऐसा ऐसे हैं वाक्यात? हाँ, स्कूल में होते हैं, वह कंपटीशन में जाते हैं, ड्रामे करते हैं, प्राइजेस भी मिलते हैं, स्कूल कॉम्पिटिशन में गया, अब ये शाला कोई ड्रामा मुझे खान मेरा करने जा रहे हैं शाम के बाद का सन्नाटा। ये एक एक बार तो आपने बताया था कि बिहार में आपका ड्रामा गया और कुछ प्राइज लेकर आया, क्या था वो? वन एकेडमी, यहाँ बिहार में हर साल कॉम्पिटिशन होता है वहाँ डेरियन सॉन में, तो वहाँ पे जो ड्रामा भेजा गया था वहाँ पे नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन होता है, कई स्टेट्स के आते हैं वहाँ पे, उसमें दो तीन मरतबा ड्रामे भेजे गए, तीनों मरतबा प्राइज़ आया, एक मतलब फर्स्ट प्राइज़ आया, बेस्ट स्क्रिप्ट का भी आया, एक मरतबा पाँचवा प्राइज़ मिला, तो वहाँ से भी अलहमदिल्ला खाली आज बच्चे भिवंडी के नहीं आए, क्योंकि भिवंडी के बच्चों में टैलेंट माशाल्लाह बहुत है, टैलेंट को बस खाली थोड़ा मूव करना है, मूवमेंट देना, पुश करना है, एक सही जाविये सही एंगल्स। एक और बड़े अफसोस की बात यह है कि भिवंडी में जो हमारा मीना कई ठाकरे हॉल है पिछले साल भर से बंद है, और मैंने इस सिलसिले में कई मरतबा मेयर साहब से भी और भी उनसे, और मैंने एक मरतबा लाइव भी पूरा उस ड्रामे थिएटर का हाल भी बता दिया, इतनी बुरी कंडीशन में है। तो आप ड्रामा आर्टिस्टों की तरफ से, आपके एसोसिएशन की तरफ से मेरी ऐसी गुजारिश है कि आप भी कुछ लेटर वगैरह दें कि भाई ये ड्रामा, क्योंकि वो स्टेज बहुत ही बेहतरीन मतलब ड्रामे के लिए बहुत अच्छा है, आपने वहाँ ड्रामा किया होगा उस स्टेज पर? बिल्कुल किया, वही ड्रामे हमारे हुए फुल लेंथ ड्रामे जो हमारे ज़्यादातर वही सब हुए हैं, अभी उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया, एजिटेशन शुरू करने जा रहे हैं, मुझे मैंने कई लोगों से बात की इस सिलसिले में, हम धरने में बैठने जा रहे हैं, जो जमहूरी तरीका है उसका एहतजाज का हम जमहूरी तरीके से बहुत पुरसकून रहकर करना है। पहले तो एक आध आपने शिकायत देना ज़रूरी है कि भाई इतने दिन से बंद है, इसको शुरू किया। हाँ, उसके भी हमने कारपोरेटर, काफ़ी कारपोरेटर कहा, हमने कारपोरेटर से हमने कहकर कांग्रेस के कारपोरेटर से भी कहा कि आप 47 लोग आपके रहते हुए इतना एक साथ पूरा मेजॉरिटी है आपकी, उसके बावजूद ये है, और जिसके नाम पर है उनकी पार्टी खड़ी से भी कही आप कि जिसके नाम पर है वो सूचना वो क्या करें, जब तक हमने बात की सब लोगों से, कारपोरेट के लोगों ने फिर एक लेटर शुरू किया लिखा, एक बाबा ये हैं प्राज क्या प्राज, हाँ उसने भी कहा है मैं अगर धरनों पर बैठोगे मैं भी आपके साथ में आता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरह से, आप धरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं वादा करता हूँ जल्द हम लोग काम करा के देंगे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा हमारी तरफ से भी कुछ दबाव बनाए, फोर्स करें, जो हक है हमारा मिलना चाहिए। स्टेज एक ही पार्टी एक ही हुआ है भिवंडी में हॉल था, वो भी बंद है, कल
भाई साहब, आप आज की यंग जनरेशन को जो ड्रामे से जुड़ी हुई है, क्या आप नसीहत करना चाहेंगे तजुर्बात की रोशनी में? ये कि कोचिंग जाएँ, क्यों कुछ बढ़ो, आगे बढ़ो, समझे? हमको हजार की भी मदद के लिए हम लोग तैयार हैं, समझे? और दूसरा ये कि देवनी में इसी तक कोई ये नहीं, कोई अदारा इतना पढ़ते अदारा नहीं कि ड्रामे कर सके, दो चार दो अदारे हैं बुनियादी तौर पर इस तरह के इदारे कायम हों और वो उनकी सरपरस्ती में इस फन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। वाले आना चाहते हैं, हम ला नहीं सकते। सदीक भाई और अकील भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ड्रामे के ताल्लुक से माजी और हाल का जो एनालिसिस हमने जिस हद तक पर किया है, तारीन हम आपका भी शुक्रिया अदा कर देंगे। आपने इस लाइव वीडियो को, लाइव इंटरव्यू को देखा, काजी साहब का भी शुक्रिया और सादिक अंसारी साहब आपका भी शुक्रिया। और आपकी बातें इंशाल्लाह ये ऑडियंस सुन रही है, देख रही है लाइव, उन तमाम का शुक्रिया। हालात ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल की जानिब से भी तमाम नागरिक का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।